that. What's that going to go on here? What's that going to do for when you are... अरे अस्पताल में हेलो कमान लेते हैं सामने से ज़्यादा हाँ 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 स्टार्ट करके बैठ जाऊँगा ना मतलब लाइव में मत जाओ तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधी रायपुर से जहां पार्थिव जवान का शव जो है वो पहुंच चुका है और सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और सांसद सुनील सोनी भी पहुंचे हुए हैं और शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही है। एयरपोर्ट परिसर के पुराने टर्मिनल के बाहर शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और डीजीपी सहित आर्मी के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। तो पार्थिव देह रायपुर पहुंच चुका है और सेना के जवान भी मौजूद हैं क्योंकि श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम जारी है और तमाम नेता सहित आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं जहां शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर भी शहीद जवान को दिया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? बहुत ही दुख की घड़ी इसे कह सकते हैं कि कौन कौन से नेता भी वहां पर मौजूद है और अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम किया जाएगा? देखिए, शहीद जवान पार्थिव जो गणेश कुंजाम है उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंच चुका है और सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर में जो जवान के पार्थिव शरीर है उसको जो टर्मिनल भवन है उसके बाहर लाया जाएगा और उसके बाद में उनको यहाँ पर गार्ड ऑनर दिया जाएगा, उसके बाद जनाई जाएगी। तो अब सीधी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो शहीद जवान है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जा रहा है, अब गार्ड ऑफ ऑनर शहीद जवान को दिया जाएगा और उसके बाद श्रद्धांजलि का क्रम शुरू होगा क्योंकि तमाम जो यहाँ पर नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और इसके अलावा कई और मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर आ चुके हैं और जो शहीद जवान का पार्थिव शरीर है वो भी यहाँ पर अब पहुंच रहा है।
तो कितना वक्त तो और लगेगा अभी, और क्या जो जवान है उसके परिवार वाले भी मौजूद हैं इस वक्त वहाँ पर? तो देखिए, परिवार के कुछ सदस्य हाँ जरूर पहुंचे हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ साथ वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, उनको वो भी वहाँ पर शहीद जवान को श्रद्धांजलि देंगे, और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए दुख की बात है। और जिस तरीके से वहाँ पर चीन और भारत बॉर्डर में जो जवान से गणेश कुंजाम वो शहीद हुआ था, उसके बाद से जैसे ही उनके शहीद होने की खबर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लोगों को मिली, सब उनको याद करने लगे, सब उन्हें अपने अपने स्तर पर श्रद्धांजलि देने लगे। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस दिन ट्वीट कर एक श्रद्धांजलि गणेश कुंजाम जो शहीद जवान है उनको दी थी। इसके अलावा जो उनका घर है कांकेर स्थित, उनका जो गृह ग्राम है वहाँ भी पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। और अभी ये जानकारी निकल कर सामने आई है कि शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के बाद सड़क रास्ते से उनके जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ उनके गृह ग्राम ले जाया जाएगा। हालांकि ये कहा जाता है कि सूर्यास्त के पहले अंतिम संस्कार पार्थिव शरीर का किया जाता है, लेकिन चार दिन से ज्यादा हो गए हैं जवान को शहीद हुए, तो इस वजह से वहाँ पर परिवार के लोगों ने ये फैसला लिया है कि जो अंतिम संस्कार है शहीद जवान को आज ही किया जाएगा। जी, तो अभी 5 से बजने को है और लगभग शाम हो ही चुकी है, तो कितना वक्त और यहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा जिसके बाद गृह ग्राम ले जाया जाएगा? देखिए, पूरा कार्यक्रम आधे घंटे का है। यहाँ पर श्रद्धांजलि जैसे ही दी जाएगी उसके बाद सड़क के रास्ते उनको गृह ग्राम उनके जो पार्थिव शरीर है उसको ले जाया जाएगा। अगर सड़क रास्ते से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा तो कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि काफी दूरी है। इसके अलावा अब ये हो सकता है कि हेलीकॉप्टर जो वायुसेना का है उससे भी ले जाया जा सकता है, लेकिन अभी जिस प्रकार से जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि सड़क रास्ते से ही जो शहीद जवान के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। जी, और अभी एट ए टाइम की बात करें तो क्या कुछ वहाँ पर किया जा रहा है, क्या गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है या फिर श्रद्धांजलि दी जा रही है? मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, यहाँ पर जो रायपुर एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल है वहाँ पर एक श्रद्धांजलि स्थल बनाया गया है, और वहीं पर जो शहीद जवान का पार्थिव शरीर है उसे रखा जाएगा। यहाँ पर तो देख सकते हैं तस्वीरों में सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह दिखाई दे रहे हैं। सब इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ पर धर्म श्रद्धांजलि स्थल पर पार्थिव शरीर शहीद जवान का पहुंचेगा वहाँ पर गार्ड ऑनर दिया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर, उसके बाद श्रद्धांजलि देने का जो क्रम है वो यहाँ पर शुरू होगा। जी, और ये तस्वीरों में एक ट्रक भी देख पा रहे हैं, क्या ये वही ट्रक है जिसमें पार्थिव देह को ले जाया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल, वो अब जो शहीद जवान का पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर ला लिया गया है, और अब यहाँ पर जो श्रद्धांजलि स्थल है वहाँ पर उनके जो पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है, और उनको जैसे ही यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर आएगा पर गॉड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसके बाद श्रद्धांजलि का जो क्रम है वो शुरू होगा। तो अब जो पार्थिव शरीर है शहीद जवान गणेश कुंजाम का उसे अब श्रद्धांजलि स्थल पर लाया जा रहा है। जी, तो अब कुछ ही देर और है जिसके बाद में कहना गलत नहीं होगा कि पार्थिव शरीर को वहां से ले जाया जाएगा और गृह ग्राम ले जाया जाएगा, जिसके बाद आज ही अंतिम संस्कार होना अब लगता है कि तय माना जा सकता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पार्थिव देह अब आ चुका है और श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो अब शुरू होगा, और सेना के सभी जवान लगभग वहां पर मौजूद हैं और एक एक कर सभी श्रद्धांजलि देंगे, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा, और जिसके बाद ग्राम के लिए पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। और 4 दिन हो चुके हैं तो आज ही अंतिम संस्कार का कहा जा रहा है कि रात को अंतिम संस्कार होगा।
चलिए रुक करेंगे कि बड़ी